गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। इसलिए आप किसी और पर डिपेंडेंट मत रहिए कि वो आपको सपोर्ट करेगा या आपका साथ देगा। आप अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना है, और आपको इतिहास भी अकेले ही रचना है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 14 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ला पेरोश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में हाल ही में ला पेरोस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में कि किन लोगों के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो ये 2 दिवसीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस, जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, रॉयल नेवी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कर्मियों, जहाजों और अभिन्न हेलीकॉप्टर की भागीदारी शामिल है। किक हिंद महासागर क्षेत्र में इसको शुरू किया गया है। तो ये जो द्विवार्षिक अभ्यास, जिसका नाम रखा गया है ला पेरोश, ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाना और भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना है। तो हाल ही में 2 दिवसीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। भारत एशियाई और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक आयोजित होगी। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 13 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में निर्धारित होगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला समारोह का उद्घाटन करेंगे और इनका समापन भी यही करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और डॉक्टर एल मुर्गन भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी करने का निर्णय मई 2023 में पेरिस में WOAH के प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 90वें आम सत्र के दौरान किया गया था, और होटल ताजमहल नई दिल्ली सम्मेलन के आयोजन स्थल के रूप में काम करेगा। तो हाल ही में इंडिया का क्या होस्ट कर रहा है? तो 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, जो 13 से 16 नवंबर तक चलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सेना द्वारा बहुविशिष्ट चिकित्सा शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्ग। गुलबर्ग में हाल ही में मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया आर्मी के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गुलाबगढ़ में सेना द्वारा आयोजित मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविर में लगभग 2000 रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। शिविर के लिए पंजीकृत सभी ग्रामीण को जनरल ओपीडी में ले जाया गया, जहां चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों ने नैदानिक विवरण प्राप्त किए और जहां आवश्यक हो वहां जांच की सलाह भी दी गई। तो एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के मामले का निदान और प्रबंधन किया गया। इस चिकित्सा विशेषज्ञ ने मरीजों को परामर्श और उपचार प्रदान भी किए। मधुमेह के मरीजों को आहार में संशोधन के लिए परामर्श भी दिया गया। तो हाल ही में आर्मी के द्वारा एक कैंप को बनाया गया, जिसका नाम था मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये गुलबर्ग में आयोजित किया था, गुलाबगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कोयला मंत्रालय 2027 तक कितने मिलियन टन उत्पादन की योजना बना रहा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 1404 मिलियन टन का आयोजन कर रहा है कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में।
कोयला मंत्रालय की वर्ष 2027 तक 1404 मिलियन टन और वर्ष 2030 तक 1577 मेट्रिक टन कोयला मिलियन टन कोयला उत्पादन करने की आयोजन योजना है। वर्तमान स्तर का उत्पादन लगभग 1 बिलियन टन प्रति वर्ष है। चालू वर्ष के लिए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्र को आपूर्तित किया गया है, जो कोयला लगभग 821 मीट्रिक टन है। कोयला मंत्रालय की अपनी उत्पादन वृद्धि योजना में अतिरिक्त मात्रा में कोयला का उत्पादन करने की योजना है और यह ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कितने टन की प्रोड्यूस के लिए बनाया जा रहा है योजना, तो 1404 मिलियन टन के लिए बनाया जा रहा है। कब तक? तो 2027 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा और 2030 तक 1577 मिलियन टन का योजना बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। किस मंत्रालय ने 62वां स्वच्छता अभियान और निवारण के साथ विशेष अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक समापन किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा हाल ही में 3.0 विथ 62 क्लीननेस ड्राइव्स को एड्रेस किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके बारे में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी भवन नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश के विभिन्न स्थानों पर 10 संस्थानों में आयोजित गतिविधियों के माध्यम से विशेष अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक समापन कर चुकी है। इनसे 7375 वर्ग फुट जगह खाली करने में मदद मिली। सार्वजनिक सेवा की भावना में और जन भागीदारी यानी सार्वजनिक भागीदारी के विचार को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने स्कूलों, समुद्र तटों, बस स्टॉप, अस्पताल परिसरों, तालाबों, पार्कों आदि में स्वच्छता अभियान की भी सुविधा प्रदान की है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्टेड किया गया है स्पेशल कैंपेन 3.0। कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली पृथ्वी भवन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हाल ही में बोंगो सागर एक्सरसाइज को आयोजित किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो बोंगो सागर बांग्लादेश और भारत के बीच नौसेना, एक सेकेंड गाइस, देखिए बोंगो सागर बांग्लादेश और भारत के बीच नौसैनिक एक अभ्यास है। बोंगो सागर का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था और भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के माध्यम से अंतर संचालनीयता और संयुक्त परिचालन कौशल को विकसित करना है। तो हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो याद रखिएगा बोंगो सागर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को हाल ही में क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है आईसीसी के संदर्भ में। तो चलिए जानते हैं किस लिए इसको निष्कासित किया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की आईसीसी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड ने बैठक की और निर्णय लिया कि श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य के रूप में अपने दायित्व को गंभीर उल्लंघन कर रहा है, विशेष रूप से अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रिकेट के प्रशासन, विनियम और या प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में स्वीकृत चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन इचिक नाम है फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया का। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए वलनेबा का चिकनगुनिया टीका मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ अपनी तरह का पहला टीका है। इसका नाम है इचिक। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उन लोगों के लिए अनुमोदित है जिनमें इस बीमारी का खतरा अधिक है। यह एक वायरल बीमारी है जो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य को में फैलती है। तो हाल ही में पहला वैक्सीन को डेवलप किया गया, उसका नाम क्या है? तो इचिक नाम है इचिक। तो किससे रिलेटेड है? तो चिकनगुनिया से। जिसको भी चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है तो उससे रिकवर होने के लिए इचिक वैक्सीन को यूज करके जो कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए इसका लाभदायक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। भारत के किस गीत को यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स होगा।
विच सॉन्ग फ्रॉम इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑफ ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित करने वाला इंडिया को अभी किस चीज में मिला है? तो एबंडेंस इन मिलेट्स, एबंडेंस इन मिलेट्स में हाल ही में इंडिया को नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी अवार्ड के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, भारतीय पीएम मोदी को मिलेट गाना ग्रैमी 2024 के लिए नामांकित किया गया है। फर्स्ट पोस्ट की सदस्यता ले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक गीत जिसका नाम है एबंडेंस इन मिलेट्स को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में 2024 के लिए ग्रैमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है। इस गाने को पीएम मोदी, फाल्गुन शाह और गौरव शाह ने लिखा है। तो पहला ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के क्षेत्र में। तो किस लिए? तो एबंडेंस इन मिलेट्स के फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर में। हाल ही में बिहार विधानमंडल में कास्ट सर्वे डेटा प्रस्तुत किया गया, बताएं कि बिहार में स्नातक आबादी का प्रतिशत कितना है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 6.11%। हाल ही में कास्ट सर्वे किया गया, उसमें बताया गया कि बिहार के लेजिस्लेचर्स के द्वारा ये परसेंटेज बताया जा रहा है कि जो ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन बिहार में है वो लगभग 6.11% लोग ही ग्रेजुएट किए हुए हैं। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार में लगभग 80 लाख स्नातक हैं यानी ग्रेजुएटेड हैं, जो कुल आबादी का लगभग 6.11% ही है। 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना के 8.30 करोड़ से अधिक है। नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 1,049,952 यानी कि 104,99,452 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः 54,278,157 और 49,821,295 है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि पॉपुलेशन से सेंसस से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिवीजन बैच में चलते हैं, 13 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रणीत कौर का संबंध आर्चरी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सबसे बड़ी अमलीय कावा इंजियन क्रेटर झील जावा द्वीप में लोकेटेड है। जावा कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के रंगिया और मरियाना रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? तो असम स्टेट के रंगिया और मरियाना रेलवे को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के पहले एआई रोबोट सीईओ का नाम माइका है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कौन सी फसल किस्म विकसित की है? तो उसका नाम है राइस, चावल की फसल को डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में म्यांमार रूस अभ्यास मैरूमैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान सी में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2023 में कोंकण रेलवे का अगला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष कुमार झा को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना और गोताखोरों ने किस पुलिस बल के लिए डाइविंग रिफ्रेशर कैंप का 14वां संस्करण शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस पुलिस फोर्स के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन राज्यसभा, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 257 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया था पार्ट 5 तक, अब हम इसे आगे कवर करेंगे। तो जानेंगे पार्ट 6, पार्ट 6 में क्या है? तो द स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक उल्लेख किया गया है। पार्ट 7, इसका नाम है सेवन्थ, जो पार्ट 7 था इसको अमेंडमेंट करके 7वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1956 में, और इसको रिप्लेस कर दिया गया यानी कि इसको हटा दिया गया, यानी पार्ट 7 अब नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। पार्ट 8 में चलते हैं, द यूनियन टेरिटरीज के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक जिक्र किया गया है। पार्ट 9 में द पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। पार्ट 9A, इसमें द म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है।
इसमें आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी आपके पास कंटेंट को प्रोवाइड कर सके। जय हिंद जय भारत दोस्तों।